आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। अपराधों के विश्लेषण के लिए बढ़ाए एआई का इस्तेमाल, चिंतन शिविर में एमएचए के वरिष्ठ अधिकारियों से बोले अमित शाह। मुकुल रॉय दिल्ली पहुंचे, मीडिया से बोले बीजेपी विधायक हूं, शाह और नड्डा से मिलने आया हूं, सोमवार को बेटे ने दर्ज कराई थी मिसिंग रिपोर्ट। कार्ति चिदंबरम के 11.04 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन, आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा है केस। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद ममता ने अमित शाह से मांगी थी मदद, शुभेंदु का चौका आने वाला दावा। बालाकोट ऑपरेशन ने बताई एयरफोर्स की ताकत, एयर चीफ मार्शल बोले नो वार नो पीस में भी इसका इस्तेमाल प्रभावी। बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच शरद पवार के साथ इफ्तार में दिखे अजीत पवार, अजीत पवार ने खुद इन खबरों का खंडन किया। असम में बीजेपी में शामिल हुए 110 पूर्व उग्रवादी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के थे मेंबर। फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों का सीएजी से होगा ऑडिट, एलजीबी के सक्सेना ने दिए निर्देश। सीबीआई ने 24 घंटे के अंदर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को भेजा एक और नोटिस, कहा सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इसे रोक दिया गया है। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने स्टालिन के पत्र का दिया जवाब, कहा राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने पर करेंगे विचार। कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने कसा तंज, कहा कांग्रेस को चुनाव के दौरान लियांगतों पर आता है प्यार। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने फिर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की, कहा शाह और नड्डा से मिलूंगा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष के पास ना कोई नीति है, ना नियत है, ना ही नेतृत्व है, इससे उनका भ्रष्टाचार नहीं छपेगा। न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी के लिए ललित मोदी ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। असम के विधायक अखिल गोगोई को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट का एनआईए केस में आरोप मुक्त करने से इनकार। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने पर पार्टी का फोकस। प्रकृति प्रेमियों को सीएम योगी का तोहफा, नया गंतव्य होगा कुकरेल नाइट सफारी व रानीपुर टाइगर रिजर्व। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, बोली भाजपा सरकार ने खो दिया आम जनता का भरोसा, कार्यशैली ने बर्बाद कर दी कानून व्यवस्था। योगी सरकार के निशाने पर बड़ा माफिया अपराधी, जाति धर्म नहीं अपराध की प्रकृति देखकर हो रही है कार्यवाही। हो
उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक सेठ का नामांकन खारिज, प्रस्तावक के हस्ताक्षर निकले फर्जी, पूछताछ में कबूला सच। कर्नाटक के श्यामशिला से बन सकती है रामलला की मूर्ति, श्रीराम के धनुर्धारी बाल स्वरूप दिखेंगे, मैसूर के मूर्तिकार तराशेंगे पत्थर। सिलेंडर ब्लास्ट से 40 घरों में भीषण आग, कुशीनगर में 2 बच्चे समेत 3 के जिंदा जलकर मौत, 12 लोग झुलसे। गोरखपुर में युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, कर्ज में डूबा था महेंद्र, एक दिन पहले आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल करने गया था। मासूम को पेट में बांधकर रोजगार पर निकलता है पिता, पत्नी की मौत के बाद मां की जिम्मेदारी निभा रहा ई रिक्शे पर रोज 50 किलोमीटर तक बच्ची करती है सफर। पति के वकील के घर के पास 3 बम फेंके, वकील बोले डराने के लिए धमाका, पुलिस बोली ये 2 अलग ग्रुप की लड़ाई। लखनऊ के नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन, किडनी में संक्रमण की वजह से विवेकानंद अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर दीपक डालमिया के छोटे भाई ने किया सुसाइड, कोरोना के बाद से कर्ज में डूबे थे, सुसाइड नोट में लिखा मुझे माफ कर देना। मेरठ में 50,000 का इनामी गिरफ्तार, 3 महीने पहले पुलिस हिरासत से हुआ था फरार, कई मुकदमे हैं दर्ज। उन्नाव में 103 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR, आचार संहिता के उल्लंघन में हुई कार्यवाही, मोरावा थाने में इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, फंडे से लटकता मिला शव, मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। बरेली में धरना प्रदर्शन, जुलूसों पर रोक, फोर्स तैनात, अतीक अशरफ की हत्या को लेकर IMC अध्यक्ष ने किया था धरने का ऐलान। यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए कोरोना संक्रमित, बिलासपुर में तेजी से फैला संक्रमण, 24 घंटे के भीतर मिले 37 मरीज। रोडवेज बस के सामने किन्नरों ने अर्धनंग होकर किया हंगामा, बस कंडक्टर पर दिव्यांग महिला से मारपीट का लगाया आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ा, दोस्त ने सोशल मीडिया पर की अश्लील फोटो वायरल, FIR दर्ज। बुलंदशहर में सभी स्कूलों के समय में हुआ बदलाव, अब सुबह 7:30 से चलेंगी क्लासेस, 12:30 बजे हो जाएगी छुट्टी। भाजपा जिलाध्यक्ष पर 20 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप, भाजपा नेता प्रिंस सिंह की शिकायत पर चल रही है जांच। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा, 5 साल पहले स्कूल जाते समय अश्लील हरकतें कर दी थी, किडनैप कराने की धमकी। इटावा में छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की जेल, कोर्ट ने 8,000 का लगाया जुर्माना, 2.5 साल पुराने मामले की सुनवाई पूरी। रिश्वत मांगने के आरोप में 3 सिपाहियों पर केस दर्ज, बिजनौर SP ने 2 को किया निलंबित। मेरठ में रास्ते से मिट्टी हटाने को लेकर विवाद, दबंगों ने फावड़े से ई रिक्शा चालक पर किया हमला, घायल की हालत गंभीर।
बदायूं में कोरोना के दस्तक, डीएम मनोज कुमार निकले पॉजिटिव, सभी स्टाफ की होगी जांच। लखनऊ में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, डीसीएम को ओवरटेक करते समय पलटा कंटेनर, पहिए के नीचे आए बाइक सवार दोनों। मथुरा पुलिस ने बरामद किए 91 मोबाइल, सर्विस लांच से ले चोरी किए गए मोबाइल के ट्रेस, पाकर खुश हुए लोग। सड़क किनारे मिला युवक का खून से लथपथ शव, शरीर पर थे गंभीर चोट के निशान, पुलिस बता रही एक्सीडेंट, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मथुरा नगर निकाय चुनाव, डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक, बैठक प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर किए गए महत्वपूर्ण फैसले। सीएम धामी से मिले स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राज्य में व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण पर विस्तृत की गई चर्चा। नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई 200 ml शराब ट्रेटा पैक की बिक्री पर रोक, कहा इससे पर्यावरण को होगा नुकसान। उत्तराखंड के सोमेश्वर स्थित गुलेब देवता मंदिर में हरा भरा हुआ 15 सालों से सूखा पेड़, लोग मान रहे चमत्कार। उत्तराखंड में पारा बढ़ते ही बिजली की मांग में आया उछाल, डिमांड सप्लाई के असंतुलन के कारण कटौती शुरू। श्री महंत रविंद्र पुरी का बड़ा बयान, बोले देश की रक्षा और धर्म की सेवा को हिंदू पैदा कर चार बच्चे। मंजीत हत्याकांड का खुलासा, पड़ोसी मांग रहा था ब्याज पर पैसे, मना किया तो रेत दिया वृद्ध का गला। उत्तराखंड एनडीएमए के सदस्य है हुसनैन का बड़ा बयान, जोशीमठ के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए पीएमओ। केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग पहुंचे उखी मठ, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। उत्तराखंड में खाकी पर विजिलेंस ने पहली बार डाला हाथ, सरकारी महकमे में नहीं होता बिना सुधा शुल्क के कोई काम। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ धधकने लगे जंगल, एक ही दिन में 18 स्थानों पर लगी आग। उत्तराखंड में 139 कोरोना मरीज मिले, बीते दिन महीने में सबसे अधिक संक्रमित आए सामने। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम, यमुनोत्री धाम में आधे तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश। उत्तराखंड में पानी पीने को लेकर हुई खूनी जंग, पिता के पैर में पड़ी रॉड को तोड़ी एक बेटी को जड़ा थप्पड़, दूसरी का फोड़ा सिर। उत्तराखंड के पौड़ी के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल, आदेश जारी। सूडान में 24 घंटे के लिए रुकेगी लड़ाई, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच हुआ सीज फायर का समझौता, अब तक 200 लोगों की मौत।
जंग के बीच यूक्रेन में पुतिन का सीक्रेट दौरा, खरसोर में मिलिट्री कमांडरों से चर्चा की, यूक्रेन बोला अपने लाडलो के गुनाह देखने गए। बीजिंग के अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की मौत, 71 को बचाया गया, आंकड़ा बढ़ने की आशंका। ताइवान खरीदेगा 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइल, ये जमीन से हमला करने में माहिर, अमेरिका की 96,000 करोड़ रुपए की डील। इटली के समुद्र में तैरता मिला 2000 किलो कोकीन, इसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 70 वाटरप्रूफ पैकेट्स में सील था। सोना की पत्नी को 500 करोड़ का नुकसान, इंफोसिस के शेयर गिरने से 24 घंटे में गवाई रकम, कंपनी पर संसद में उठे थे सवाल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के फेफड़ों में संक्रमण, तबियत बिगड़ी, इलाज के लिए लाया जाएगा दिल्ली एम्स। स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन सैटेलाइट को लॉन्च करने का दिया निर्देश। जासूसी के आरोप में पकड़े गए अमेरिकी पत्रकार की जमानत याचिका खारिज, रूस अमेरिका में बढ़ सकता है तनाव। न्यूयॉर्क में पार्किंग गैराज की दीवार गिरी, एक की मौत, चश्मदीद बोला यह भूकंप जैसा महसूस हुआ। दस हजार कर्मचारियों को निकालेगी मेटा, ये छटनी का दूसरा राउंड, पहले में 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। टाटा ने लॉन्च किया अल्ट्रोज का सीएनजी वर्जन, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली देश की पहली कार सनरूफ और 6 एयरबैग भी मिलेंगे। भारत में एप्पल का पहला स्टोर खुला मुंबई में, सीईओ टिम कुक ने दरवाजा खोलकर हाथ जोड़े, एक फैन 1984 में बना कंप्यूटर लाया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग टली, 39 सेकंड पहले रोका लॉन्च, स्टारशिप के प्रेशर वॉल्व में समस्या, रीसेट होने में लगेंगे 48 घंटे। सैमसंग अपने फोन से हटा सकता है गूगल सर्च इंजन, चैट पीजी से बीएनजी का होगा विकल्प, परेशान गूगल, जोड़ा एआई के फीचर्स। मारुति का लाइट कॉमर्शियल व्हीकल लॉन्च, सुपर कैरी मिनी ट्रक 1.2 लीटर एडवांस के सीरीज डुअल जेट इंजन से लैस, कीमत 5.15 लाख। एआई चैट बॉट ट्रूथ जीपीटी लॉन्च करेंगे एलन मस्क, चैट जीपीटी और गूगल के बॉट को मिलेगी टक्कर, ओपन एआई छोड़ने की वजह भी बताई। अडानी समूह पर एक साल में बढ़ गया 21% कर्ज, शेयर गिरवी रख पैसे जुटा रहा है समूह। अमीरों को भरना पड़ सकता है ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स, आय असमानता कम करने के लिए बदलाव की तैयारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले चेहरा देखकर दिया गया लोन, एनपीए बनता है जरूरतमंद को दिया ऋण नहीं। रोमांचक मुकाबले में 14 रन से जीती मुंबई, हैदराबाद के खिलाफ कैमरून ग्रीन रहे हीरो, अर्जुन तेंदुलकर ने पहला आईपीएल विकेट लिया। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मार्कस हैरिस, जोश इग्लिस और मिचेल मार्श की वापसी, टॉड मर्फी को भी जगह।
जयपुर में आईपीएल मैच से पहले विवाद, खेल मंत्री बोले आरसीए स्टेडियम में कब्जा किया, सील करेंगे, नोटिस जारी। विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में हरमनप्रीत शामिल, पहली बार कोई भारतीय महिला चुनी गई, सूर्या साल के बेस्ट टी20 क्रिकेटर। श्रीलंका ने आयरलैंड को पारी और 280 रन से हराया, टीम की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, मैच में लगे 4 शतक। कोहली पर मैच फीस का 10% फाइन लगा, सीएसके के खिलाफ आईपीएल के नियमों का किया उल्लंघन। जीत के हैट्रिक से खुश हैं कप्तान रोहित शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर समेत टीम की बैटिंग को सराहा। इंडियन कल्चर को लेकर केविन पीटरसन ने दिया बड़ा बयान, कहा भारतीय संस्कृति बेहद खास लेकिन पश्चिमी दुनिया में के एक साथ कई खो रहे। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, आईपीएल करियर में पूरे किए 6000 रन, ऐसा करने वाले बने चौथे बल्लेबाज। आरसीबी के खिलाफ खराब फील्डिंग से मोइन अली पर गुस्सा, एमएस धोनी, वायरल हुआ कैप्टन कूल का रिएक्शन। हनी सिंह टीना थडानी का हुआ ब्रेकअप, एक साल से कर रहे थे डेट, रिलेशनशिप बिगड़ा तो हनी सिंह ने बदल लिया एल्बम का थीम। पिलाटेस करती दिखी दीपिका पादुकोण, फिटनेस ट्रेनर ने शेयर किया वर्कआउट, वीडियो एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट। महिलाओं की कामयाबी से इनसिक्योर है पुरुष, प्रियंका चोपड़ा बोली मेरी जिंदगी में अभी ऐसे पुरुष हैं जिन्हें मेरा कमाना पसंद नहीं। एथनिक लुक में स्पॉट हुई कैजुअल, रेड एंड व्हाइट सूट में देख लोगों को याद आई कुछ कुछ होता की है अंजलि। सेक्स रैकेट मामले में कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल गिरफ्तार, पुलिस ने भेजे नकली ग्राहक, सबूत इकट्ठा कर दर्ज की एफआईआर। एयरपोर्ट पर पेपरोजी के सामने डांस करने लगी उर्वशी रौतेला, यूजर्स ने पूछा ऋषभ भाई से मिलने जा रही हैं क्या। सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे क्रिश 4 का डायरेक्शन, क्रिश 4 के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे राकेश रोशन, जल्द अनाउंस हो सकती है फिल्म। कंगना रनौत ने की आमिर खान की तारीफ, सर अब मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वीडियो शेयर कर कहा मेरे और ऋतिक के बीच उन्होंने खुद अपना साइड चुना है। साउथ फिल्मों में काम करना चाहती हैं शहनाज, इस अभिनेता साउथ के सुपर स्टार यश संग की स्क्रीन शेयर करने की इच्छा जाहिर की है। गंभीर दुर्घटना के बाद साई धर्मतेज की बड़े पर्दे पर वापसी, फिर दिखेगा साउथ सितारे का जलवा। आज के लिए शतक में बस इतना ही, दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।